एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो नीट की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए, उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस साइट को ओपन कर लेना है, mcc.nic.in। यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे, पीजी मेडिकल काउंसलिंग, यूजी मेडिकल काउंसलिंग, सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग। तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें सीधे यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अभी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं आ रही है क्योंकि अभी जस्ट एक फाइल डाउनलोड हुई है। ये देखो, यूजी शेड्यूल 2018। तो उसे ओपन करने के बाद में हमें ये इन्फॉर्मेशन पूरा मिलता है। अभी यूजी काउंसलिंग पे जब मैंने क्लिक करा तो मुझे एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिली। वो ये है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 15% ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ESIC MBBS BDS सीट्स 2018। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग की इन्होंने जो डेट फर्स्ट राउंड में दी है वो है 13th जून टू 18th जून अप टू 5 PM ये दिया है। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 19th जून 2018 टू अप टू 12 नून एज पर सर्वर टाइम 6 डेज के लिए ये है। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 19th जून टू 5 PM तक है, ठीक है। और ऐसे ही प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 20 टू 21 जून तक ये चलेगा 2 दिन के लिए। उसके बाद रिजल्ट इसका आ जाएगा 22 को और 23 को, 23 से लेके 3rd जुलाई तक। इतने दिन हमें रिपोर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो हमें कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें। ऐसे ही सेकेंड राउंड की भी यहाँ पर दी है जो कि 6 जुलाई टू 8 जुलाई तक होगा। उसके बाद में इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह है वो 9th जुलाई को है। उसके बाद 10th जुलाई से 11th जुलाई तक इसमें सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा। उसका रिजल्ट इसका पब्लिश हो जाएगा 12 जुलाई को, सिर्फ एक दिन होगा। उसका रिपोर्टिंग इसमें बहुत कम टाइम है, इसमें सारे इसमें सिर्फ 10 दिन है, एक दिन कम हो जाता है, कम नहीं है, उतना ही है एटमोस्ट। 13th टू 22 जुलाई तक इसमें है रिपोर्ट करने का। उसके बाद में जो सीटें बचती हैं सेकेंड राउंड के बाद वो सारे स्टेट्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी क्राइटेरिया अलग है और मैं उससे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और 85% जो कोटा होता है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें आपको फीस पहले से ही वो पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब प्राइवेट होते हैं कुछ एक दो छोड़ के, तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए इन्होंने फीस रखा है 2 लाख। अगर जैसे आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला आपको, आसानी से आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया प्राइवेट और फीस आपको तो पहले डिपॉजिट करनी होगी 2 लाख, तो अगर कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया उसमें, तो आपके 2 लाख रुपये गए, वो आपको नहीं मिलने वाले। क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने सीट को जस्ट ब्लॉक कर दिया और आपने एडमिशन नहीं लिया उस पर, तो आपको 2 लाख रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बात को इसको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसका शेड्यूल था ऑफिशियल mcc.nic.in। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अभी पीडीएफ ही मिलेगा जब उस पर यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे अभी क्लिक करेंगे। और कुछ दिन बाद में जैसे इसमें डेट लगी 13 जून, उस डेट तक ये यूजी वाला ऑप्शन है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग, ये इनेबल हो जाएगा। अभी वो खुल नहीं रही है साइट, अब अभी आपको जस्ट पीडीएफ मिल रहा है। तो पीडीएफ आप देख लो, उसमें सब कुछ कैसे कहाँ पे क्या करना है, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 2 लाख रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा अगर आपको सीट आपने ब्लॉक करी और मैं एडमिशन नहीं लिया तो। तो अगर आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका मैं आंसर कर दूंगा।